सेवा की उन्होंने आख्या भाई तुम होर कि जाके बस जाओ भाव उजड़ जाओ तुम। इस खूही की सेवा जो है गुरु हरगोबिंद पातशाह ने आप करवाई। सेंचियां भी साढ़े को है ने, जो बीबिया लैके जा सत श्री अकाल जी। गुरुद्वारा वीलॉग के चैनल दे विच तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत है। अज तुसीं तुहानूं दर्शन कराने आ गुरुद्वारा दमदमा साहिब दे, जो कि लुधियाणे दे विच पिंड दुगरी दे विच हैगा। लुधियाणे दे विच पिंड दुगरी पैंदा जिथे गुरुद्वारा साहिब हैगा है। ये गुरुद्वारे का इतिहास जो है पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ते छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब के जीवन के नाल संबंध रखता है। ये है जी गुरुद्वारा साहिब का जोड़ा घर, जिथे कि तुम देख सकते हो कि छोटा जा बच्चा भी गुरु घर सेवा कर रहा जोड़िया के। यही है महाराज ने सानू सिखाया कि असी सेवा ते सिमरन दे नाल किवें गुरु घर नाल जुड़ना है। आओ हुण आपां दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहिब के। यह है जी गुरुद्वारा साहिब का इतिहास जो तुसीं पढ़ सकते हो। बाकी इसकी विस्थार पूर्वक जानकारी, इसका संखेप इतिहास आप इतों के मुख भाई साहब तो जाणांगे। हुण आपां दर्शन करते हैं जी दरबार हाल के। मन्निया जांदा कि पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी इस स्थान पर तकरीबन 1515 ईस्वी के आए सी, और इस स्थान तो बाद गुरु साहब गुरुद्वारा गऊघाट जो कि आप पिछले वीलॉग दे भी देखिया उत्थे चले गए, और इस स्थान पर गुरु साहब भाई जवंदा जी के नाल आए सी। ये गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग तुसी देख रहे हो। लुधियाने का पिंड दुगरी, तुसी सुनिया होएगा कि दुगरी एक बहुत ही भीड़ भड़के वाला इलाका है। हुण आपां दर्शन करदे हां दरबार साहब दे। बहुत सोहना दरबार साहब दरबार हाल बनाया गया। संगतां वल्लों सारे इतिहासिक पुरब बड़े श्रद्धा ते सत्कार नाल इत्थे मनाए जांदे ने। हुण आपां इत्थे दा इतिहास संखेप दे विच इत्थों भाई साहब तों जाणदे हां, जो कि सानूं दसणगे कि पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ते छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी ते किस तरह इत्थे उहनां दा आउणा होया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा दमदमा साहिब पातशाही पहली ते छेवीं, पिंड दुगरी, जिला लुधियाणा। इस पावन अस्थान का जिहड़ा इतिहास आ, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी इत्थे भाई मरदाना जी दे नाल आए, जिहड़ा समुचे लोकाई दे भले वास्ते बाबा नानक जी ने चार उदासियां कीतियां, उहदे तहत इत्थे भी सच्चे पातशाह जी ने अपने पावन चरण पाए। मुबारक इस अस्थान नूं भी पवित्र बनाया,
इत्थे आ के जो नगर के लोगों ने सेवा की गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने पहलों की तरह ही जिन्होंने सेवा की उन्होंने आख्या भाई तुसी होर कित जाके बस जाओ भाव उजड़ जाओ तुसी, ते जिन्होंने सेवा नहीं की उन्होंने आख्या वसते रहो भाव भी तुहाडे वर्गे होर जाके जिहड़े कित तुहाडे वर्गे मनमुख होर ना पैदा हो जाण, होर ना उन्हां दी गिणती वध जावे, ते उन्होंने लई इह वचन आखे। ये पावन स्थान इतिहास जिहड़ा है पातशाही पहली जी आ पातशाही छेवीं गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी भाई जवंदा जिया के नाँ ते नगर जवद्दी रखिया गया, उत्थों सतगुरु जी उन्होंने नाल लेके इत्थे आए। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज इत्थे जिहड़ी पुरातन खूही सी गुरु नानक साहिब वेले उन्हां दी जिहड़ी सेवा संभाल बाद विच उसारी करवाई, वह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने उहदी सेवा संभाल करवाई खूही दी, वह जिहड़ी है खूही वो इस स्थान पर हुण भी मौजूद है। तो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज इत्थे काफ़ी दिन इत्थे संगतां दे नाल विचार और संगतां नूं सिक्खी का प्रचार करते रहे और नगर नूं जिहड़ा है सिक्खी के प्रचार तो बाद सिक्खी दे नाल जोड़िया, और जो गुरु का फलसफा है गुरु साहिब जी का सिद्धांतां दे नाल जीवन जिउण दी जाच सिखा के इत्थों फिर गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह भाई की डोली नूं चाले पाए सीगे। इस पावन स्थान का यह इतिहास है जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੂਹੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੂਹੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖੂਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖੂਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਖੂਹੀ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਜਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਉਸੇ ਖੂਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਗਰੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਕੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ
इन्हां पुस्तकां नूं इन्हां सेंचियां नूं इन्हां किताबां नूं पढ़न लई बच्चे खुद भी रहाउंदे ने, माइयां इत्थे पढ़दियां भी ने आ के। और अगर किसी ने इत्थों कोई किताब कोई धार्मिक पुस्तक गुरु घर की जानकारी दे बारे या गुरुआं दे इतिहास दे बारे इशू करवाउणी होवे, इस स्थान तो किताबां जो है असीं इशू करवा सकते हैं। और जो समा है वह शाम नूं 4 बजे तो 5 बजे का है। और कोई भी गुरु घर वालों 1 रुपया भी जो है फीस नहीं ली जाती। ये मुफ्त जो किताबां जो ने बच्चों नूं या किसी होर ने भी जो लैनिया हो मुफ्त उन्होंने मुहैया करवाई जाए। अज असीं तुहानूं दर्शन कराए जी गुरुद्वारा दमदमा साहिब दे। सो अगले वीलॉग दे विच तुसीं किसी होर इतिहासिक स्थान के दर्शन करोगे। तो उस तो पहला मैं थोनों एक बार फिर तो बेनती करांगा साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियोज़ भी तुसीं धार्मिक स्थानों दियाँ देख सको, दर्शन कर सको, तो उत्थों के इतिहास बारे जाणू हो सको। एक बार फिर तो सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।